अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हैं जी। ये आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और रिएक्शन होगा ट्रेलर के ऊपर। अच्छा, मैं वैसे पहले बैठा हुआ था, बैठ के ना मैं वीडियोस देख रहा था और ट्रेलर चेक कर रहा था जो नई टीवी सीरीज आ रहे हैं या मूवीज आ रही हैं। तो अचानक इस वीडियो के ऊपर मेरा वो पड़ा ध्यान, तो मैंने कहा कि चलो ये वीडियो लगा के देखते हैं और आप लोगों के साथ रिएक्शन देते हैं। तो ये अगर आप लोग जानते नहीं है, तो ये जैसे इंडिया के अंदर एक बॉलीवुड है जो मेन इंडस्ट्री चल रही है, ये उससे जरा हट के साउथ इंडिया की इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से टॉलीवुड कहते हैं इसे। और ये कुछ ही सालों के अंदर उन लोगों ने मूवीज के ऊपर इतना काम किया है कि उनकी मूवीज की जो इंडस्ट्री है और जो उनकी मूवीज की टिकट्स हैं काफी ज्यादा सेल कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडिया के अंदर भी, और ये बड़ी बात होती है। आप देखें, किसी के काम को लाइक करें ना करें आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन बात होती है मेहनत की, और मेहनत इन लोगों ने बड़ी की है और मेहनत करके इंडस्ट्री को ऊपर लेके आए। अच्छा, वैसे मेरी बात का बुरा ना मानना, एक बात करूँ वो ये यार कि आजकल जो मूवीज चल रही है ना, खासकर जो बॉलीवुड की है, तो मूवीज के अंदर ज्यादा प्यार मोहब्बत और फिजिक्स की तो माँ बहन एक ही होती है। तो डिसरिस्पेक्ट भाई, अगर आपके काम चल रहा है तो बनाते रहो, ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है। लेकिन चलाएं, देखते हैं इसका ट्रेलर कैसा है, उस पर रिएक्शन देते हैं। मुझे तो लग रहा है अच्छी होगी, क्योंकि आजकल उनकी जो मूवीज है बड़ी कमाल कमाल आ रही है। मैंने देखी इतनी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने ट्रेलर पहले चेक किए हुए हैं, और मैं भी देखूंगा शायद ये मूवी मैं देखूंगा अगर मुझे अच्छी लगती है। तो जनाब, इससे पहले कि हम ट्रेलर की तरफ पढ़ें, आप और मैं रिएक्शन दें मिलके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके बाद इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपकी ये काम करने से मुझे हौसला अफजाई होगी और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँगा। तो चले आएँ, आप और मैं मिलकर वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर रिएक्शन देते हैं। एक्शन मूवी लग रही है, स्टार्ट हुआ है एक्शन। अच्छा, ये दबंग की तरह की लग रही है वैसे। வெல்கம் டு சென்னை சார். நேற்று நைட்டு திடீர்னு நிறைய பேர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருக்காங்க சார். நவீன் ஒரு பையன் ரூமில் தற்கொலை பண்ணியிருக்கான். எனக்கு இது வெறும் சூசைடாக தெரியல, இந்த சூசைடு பின்னாடி ஒரு கிரைம் கூட இருக்கலாம். ஒவ்வொரு பிளாக் டேக்கு முன்னாடியும் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்ல இருந்து 8 டு 10 பைக்ஸ் வாங்கிருக்காங்க. மொத்தமா 6000 கேसेसக்கு மேல. திஸ் இஸ் ஓ ஆக்சன் ஹே. சரி, ரொம்ப மோசமான கேங். லேக்கின் ஜு ஷார்ட்ஸ் படி ஜபர்தஸ்த். ठीक है, எப்படி பணம் சம்பாதி. எக்ஸ்பென்சிவ் மூவி லாக ரீ, சஸ்தி நீ லாக ரீ. எப்படி ஜெயிச்சோன்னு யாரும் தேடி பார்க்க போறதில்ல. ஜெயிக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும். இது கேங் பைக்ஸ் கி ஒரு போலீஸ் வாலா இங்க பிச்சி மேரி ஹால் से பாலி மே இருக்கறவன் அவனுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் கர் ரே பாலி மேன்றது அடுத்துன காப்பாத்ததான் அழிக்கல்ல. இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கேன்னு உன்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. ஏ நம்பிக்கை போய் ஆயிடுச்சு. ஒரு அம்மா வாணோ தோத்து போயிட்டே. இனிமே அர்ஜுனுக்கு வாழ்க்கை நரகமா இருக்கணும். தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்க ஒருத்தனோட சமநில. யார், வீடியோ குவாலிட்டி படி ஜபர்தஸ்த். கோம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுவேன். अब ये नाइट शॉट्स चेक करें, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड मूवी का सीन आप देख रहे हैं किसी को, ठीक है? ये बड़ी बात है यार। गेम मुड़ी ला, अड़त लेवल को पोक पोक दे।
ट्रेलर बड़ा अच्छा था यार। मैं वही बात आपसे कहने लगा था कि जो इसकी VFX है, जो मूवी की क्वालिटी है, इसकी सिनेमेटोग्राफी है, वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और बड़े अच्छे कैमरा से मूवी शॉट हुई हुई है। मैं इनको क्रूडस करता हूँ उस टीम को, क्योंकि ये लोग साउथ इंडियन है, ये मेन बॉलीवुड नहीं है। इन लोगों ने अपना जो भी किया अपने आप को ऊपर लेके आए। इनकमिंग ईयर्स मुझे लग रहा है कि ये अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएंगे। जहाँ तक मूवी के ताल्लुक है, मुझे लग रहा है ये कोई फास्ट एंड फ्यूरियस तरह की मूवी है जिसमें चेस है और बाइकर्स की गैंग है और उसमें एक पुलिस वाला जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है ना, देखिए आपको मूवीज जो हैं डिफरेंट जॉनर्स को टच करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। अब देखिए जहाँ तक हॉरर का ताल्लुक है, वो हॉलीवुड में तो बड़ी प्रीडोमिनेंटली एक जॉनर है जिसके ऊपर मूवीज बनती हैं। उसके बाद सुपर हीरो जॉनर है जिसके अंदर आप सुपर हीरो मूवीज वगैरह देखते हैं। फिर एक सस्पेंस थ्रिलर है, वो बड़ी बड़ी कमाल मूवीज़ है। अगर आप एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार मूवीज़ बनाएंगे तो क्या होगा कि आपको कंपटीशन नहीं होगा, लोग तंग आ जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ बार बार आ रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको करना ये चाहिए कि आप डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करें जी। बेशक वो एक्शन हो, अपनी मर्जी की आप जो मर्जी इसमें डाल दें, ओवर द टॉप एक्शन हो, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी सी चेंज लेके। उससे ये होता है कि आप सीखते हैं और सीख के फिर आप डिफरेंट जॉनर्स की तरफ जाते हैं और आप एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मुझे मूवी ट्रेलर के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी लगी है। जाहिर सी बात है, मैं ऐसी मूवीज इतनी नहीं देखता, लेकिन फिर भी इसका ट्रेलर अगर दूसरा आया तो उस पर रिएक्शन देंगे और फिर देखेंगे वो ट्रेलर कैसा, शायद मैं देखूं मूवी, पता नहीं। अगर ऐसी कोई और वीडियो है तो मुझे बताएं, मैं उस पर जरूर रिएक्शन दूंगा। ट्रेलर मुझे देखने का बड़ा मजा आता है, मूवीज का पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए फिर बनाता रहूं। तो चलें जनाब, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा तब तक। अल्लाह हाफिज़।